15 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हो चुकी है। अभी हम खड़े हैं खंडवा की रामेश्वर सेवा सहकारी समिति। सरकार का दावा है जिले में दो मॉडल केंद्र बनाए गए, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर मॉडल जैसी एक भी व्यवस्था नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं मॉडल केंद्र की हकीकत। देखिए यहाँ पर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, जैसा कि आपको बताया गया है कि ये मॉडल केंद्र है। समर्थन मूल्य की हकीकत यह भी है कि यहाँ पर गेहूँ के मानकों को नापने के लिए कोई भी यंत्र या मशीन नहीं है। नमी भी यहाँ पर हाथों से नापी जाती है। अधिकारियों का कहना है कि रंग पंचमी होने के कारण अभी किसान नहीं आ रहे हैं, इस कारण गोदाम खाली है। किसान रंग पंचमी के बाद समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पहुंचेंगे। यह है गेहूं का दूसरा समर्थन मूल्य का केंद्र, इसे भी शासन ने मॉडल बताया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पर भी मॉडल जैसी कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है। दूसरा यह है कि यहां पर वेयर हाउस को ही इन्होंने अपना समर्थन मूल्य बना दिया है। आइए देखते हैं इसकी भी हकीकत। समर्थन मूल्य केंद्र के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने थे, लेकिन यहां पर वेयर हाउस ने पहले से ही सीसीटीवी कैमरे बाहर लगवा के रखे हुए हैं। अब अंदर के माल की सुरक्षा कैसे हो ये तो अधिकारी ही बता पाएंगे। चल भाई।